आखिर साउथ में क्यों नहीं चलती हिंदी फिल्में? सलमान खान के सवाल का केजीएफ स्टार यश ने दिया आंसर। वेलकम टू बॉलीवुड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ भूमिका। पिछले कुछ टाइम से साउथ की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों को मात देती नजर आ रही हैं। बाहुबली से यह सिलसिला लगातार शुरू हुआ और अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुष्पा, आरआरआर और अब केजीएफ चैप्टर 2 को देश भर के फैंस से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 तो अभी रिलीज भी नहीं हुई और फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए ही 25 करोड़ कमा लिए हैं। वहीं आरआरआर तो दुनिया भर में 1000 करोड़ की कमाई कर चुकी है। हाल ही में सलमान खान ने आरआरआर की तारीफ की थी, साथ ही इस बात की चिंता भी जताई थी कि बॉलीवुड में क्यों मूवी साउथ में नहीं चलती हैं। अब इस पर केजीएफ फेम यश ने रिएक्ट किया है। सलमान खान ने रामचरण के बर्थडे के मौके पर उन्हें विश किया था और उनकी मूवी आरआरआर के लिए उनकी जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि रामचरण ने आरआरआर में शानदार काम किया, मैंने उन्हें बर्थडे पर विश भी किया था और उन्हें फिल्म की सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। मुझे उन पर बहुत ज्यादा प्राउड है, मुझे अच्छा फील होता है कि वे बढ़िया जा रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात पर ताज्जुब भी होता है कि क्यों हमारी फिल्में वहां पर अच्छी कमाई नहीं करती हैं। उनकी फिल्में तो हमारी यहाँ बढ़िया बिजनेस कर रही हैं। अब इस पर केजीएफ चैप्टर 2 के साथ व्यूअर्स के बीच हाजिर होने वाले यश ने कहा कि इस तरह से नहीं होता, पहले हमारी फिल्मों को भी इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। पहले जिस तरह की डबिंग होती थी उसमें और अब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब लोग धीरे धीरे इस बात से फैमिलियर हो रहे हैं कि हम लोग किस तरह के कंटेंट को क्रिएट करते हैं। पहले लोग सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट के लिए लेते थे, कुछ लोग तो मजाक में भी लेते थे। जिस तरह की डबिंग होती थी उसी वजह से ही ऐसा होता था, कोई भी साउथ मूवी को सीरियसली नहीं लेता है था और वैसा महत्व भी नहीं देता था। लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे हमारी स्टोरी टेलिंग का तरीका पसंद आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये एक रात में हुआ है। धीरे धीरे लोगों ने हमारे कंटेंट को समझना शुरू किया, लोग हमारे डायरेक्शन के तरीके को समझने लगे। क्या आपको भी साउथ की मूवीज देखना पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए बॉलीवुड हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें।